हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं SLA लाइफ साइकिल को। SLA की लाइफ साइकिल जो है, हम उसकी बात कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी बच्चे क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट लिए हुए हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप इसे पूरा एंड तक देखिएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इन वीडियोज़ के नोट्स मिल जाते हैं, तो ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को बिना देरी के। बात करते हैं SLA की लाइफ साइकिल पे। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने SLA के टाइप्स को भी डिस्कस कर लिया है और उसका ओवरव्यू भी ले लिया है। अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ SLA की। चलिए बात करते हैं SLA का फुल फॉर्म क्या है। SLA का फुल फॉर्म होता है सर्विस लेवल अग्रीमेंट। शॉर्ट में अगर हम आपसे डिस्कस करें तो SLA का मतलब क्या है, सर्विस लेवल अग्रीमेंट, जो कि हमारे कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करता है। ठीक है, तो जो हमारा सर्विस लेवल अग्रीमेंट है, ये एक अग्रीमेंट है जो कि हमारा कुछ ना कुछ स्टेप्स से होकर गुजरता है। तो हमारा सर्विस लेवल अग्रीमेंट जो है वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स से होकर गुजरता है और इसकी स्टार्टिंग होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन से। यानी जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, जो हमारे अग्रीमेंट है, उसमें क्या टर्म्स कंडीशन दी हुई हैं उसका आइडेंटिफिकेशन करना, देन उसका एक्टिवेशन करना, देन मॉनिटरिंग करना टर्म्स कंडीशन की, और उसके बाद इवेंचुअली आपकी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन है वो भी हमारा लास्ट स्टेप में आता है। तो जो हमारे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं, इसी को हम बोलते हैं SLA लाइफ साइकिल। ठीक है, SLA को कंप्लीट करने के लिए जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हम फॉलो करते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, SLA लाइफ साइकिल। और बेसिकली ये हमारे 5 फेजेस में कंप्लीट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से फेजेस हैं देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन फर्स्ट फेज, पब्लिशिंग एंड डिस्कवरी सेकेंड फेज, थर्ड फेज इज नेगोसिएशन, फोर्थ फेज ऑपरेशनलाइजेशन एंड डी कमिश्निंग इज लास्ट फेज। तो ये आपके 5 फेजेस हैं, कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन, पब्लिशिंग एंड डिस्कवरी, नेगोसिएशन, ऑपरेशनलाइजेशन एंड डी कमिश्निंग। ठीक है, एक एक करके हम सारे स्टेप्स को देखते हैं। तो यहाँ पे हम हर एक स्टेप्स को, हर एक फेजेस को लाइफ साइकिल के, SLA की लाइफ साइकिल के हर एक फेज को हम बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन क्या होता है। तो जो हमारा फर्स्ट फेज है कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन, इसमें हम क्या करेंगे, जैसा कि आपको नाम से लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन, यानी यहाँ पे डेफिनेशन होगी किसकी, कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन होगी। तो जनरली जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो जो भी हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, सर्विस प्रोवाइडर, उनका सेट जो है वो डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ उसके जो हमारे SLA है, यानी सर्विस लेवल अग्रीमेंट है उन सर्विस से रिलेटेड, उनको भी आपके स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स का यूज करके डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहला काम है SLA के अंदर कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उन सर्विसेज को और उसके साथ साथ उनसे रिलेटेड जो SLA हैं उनको पहले डिफाइन करना होगा स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स का यूज करके। क्लियर है। सेकेंड फेज इज पब्लिकेशन एंड डिस्कवरी। सेकेंड फेज हमारा आता है पब्लिकेशन और डिस्कवरी का। अब हमने डिफाइन कर दिया कि हमें कौन सी सर्विसेज जो है वो हमें देनी है, प्रोवाइड करनी है, तो वो सर्विस प्रोवाइडर द्वारा वो हमारे सारे अग्रीमेंट में जो भी हमारे सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएंगे उनको डिफाइन कर दिया गया। ठीक है, साथ साथ उसका SLA भी डिफाइन कर दिया गया। अब बारी है पब्लिकेशन एंड डिस्कवरी की। तो जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो जो भी बेस सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं क्लाइंट्स को, उनको एडवर्टाइज करते हैं। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर एडवर्टाइज करते हैं जो भी बेस सर्विसेज हैं उनकी। ठीक है, और इसके लिए वो स्टैंडर्ड पब्लिकेशन मीडिया का यूज़ करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं नेट पे या कहीं भी अपना एक एडवर्टीजमेंट डाल सकते हैं। और कस्टमर क्या करेंगे, कस्टमर जो है इससे सर्विस प्रोवाइडर तक पहुँच पाएंगे। ठीक है,
कैटलॉग्स को सर्च करके, यानी जो भी उन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया है जिस भी फॉर्मेट में, उस एडवर्टीजमेंट को पढ़ के या देख के कस्टमर क्या करेंगे, उन सर्विस प्रोवाइडर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो ये सेकेंड फेज है। थर्ड फेज इज नेगोशिएशन। नेगोशिएशन में क्या होता है, अब कस्टमर ने क्या किया, कस्टमर ने सर्विस प्रोवाइडर को मान लीजिए डिस्कवर कर लिया कि सर्विस प्रोवाइडर हमें, जो भी सर्विस प्रोवाइडर से हमें सर्विसेज लेनी है, हमने उन्हें लोकेट कर लिया, हमने उन्हें जो है वो डिस्कवर कर लिया। तो जब कस्टमर जो है सर्विस प्रोवाइडर को डिस्कवर कर लेगा, तो उसके बाद क्या होगा, जो भी एप्लीकेशन होस्ट करनी है उसके लिए वो उससे मीट करेगा। तो SLA के टर्म्स कंडीशन जो है वो दोनों तरफ से आपके अग्री होने चाहिए। ठीक है, तो कस्टमर जब सर्विस प्रोवाइडर को रीच कर लेगा, उनको लोकेट कर लिया कि हाँ हमारा लोकेशन मिल गया कि सर्विस प्रोवाइडर हमें यहाँ मिलेंगे, तो कस्टमर ने क्या किया कि उनसे जाके वो अपने एप्लीकेशन की होस्टिंग से रिलेटेड जाके एक मीट की, एक जो है आपसे मीटिंग की। ठीक है, तो जब मीटिंग की तो वहाँ पे SLA का जो टर्म्स कंडीशन है वो दोनों तरफ से जो है अग्री होना चाहिए, म्यूचुअली अग्रीड होना चाहिए, यानी वो सर्विस प्रोवाइडर द्वारा भी अग्री होना चाहिए, साथ ही साथ क्लाइंट को भी वो मंजूर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका अग्रीमेंट साइन होने से पहले दोनों तरफ से जो है म्यूचुअली अग्रीमेंट, म्यूचुअली अग्रीड होना चाहिए, दोनों जो है स्वेच्छा से जो है एक दूसरे के सहमति से अग्रीमेंट को साइन करेंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट फेज है ऑपरेशनलाइजेशन। ऑपरेशनलाइजेशन में क्या होता है, SLA ऑपरेशन में हमारा आता है SLA की मॉनिटरिंग करना। अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट में हमने जो भी अग्रीमेंट्स हमारे थे, अग्रीमेंट के अंदर जो भी सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाएंगी वो सारा डिफाइन हो गया, वो सारा हमारा साइन हो गया अग्रीमेंट। ठीक है, अग्रीमेंट साइन होने के बाद ऑपरेशनलाइजेशन में क्या होता है, उन अग्रीमेंट्स की मॉनिटरिंग होगी कि हमारा क्लियर, जो हमारा अग्रीमेंट साइन हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारा काम चल रहा है कि नहीं। तो SLA मॉनिटरिंग की जाएगी, SLA की अकाउंटिंग की जाएगी कि कोई भी हमारा इधर उधर जो है कोई डेविएशन तो नहीं हो रहा है, या SLA का एनफोर्समेंट किया जाएगा। तो SLA मॉनिटरिंग के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी पैरामीटर वैल्यूज दी गई हैं और जो भी मैट्रिक्स कैलकुलेट किए गए हैं वो डेविएट तो नहीं हो रहे हैं, वो चेंज तो नहीं हो रहे हैं, अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये ऑपरेशनलाइजेशन में हम कंफर्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज लास्ट फेज इज डीकमिशनिंग। डीकमिशनिंग में क्या होगा कि SLA डीकमिशनिंग में हमारा जो भी हमने अब काम कर लिया, हमारे अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमारा सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है, अब डीकमिशनिंग में जो भी हमारे टर्मिनेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म की है पर्टिकुलर SLA के द्वारा, SLA को फॉलो करके, उनको हम टर्मिनेट कर देंगे, क्योंकि हमारी जो सर्विस प्रोवाइडर और जो हमारा सर्विस कंज्यूमर है उसके बीच में जो भी हमारी होस्टिंग से रिलेटेड रिलेशनशिप थी वो एंड हो गई है। तो हम डीकमिशनिंग में क्या करेंगे, सारी एक्टिविटीज़ को टर्मिनेट कर देंगे। क्लियर है, तो ये हमारे स्टेप्स हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार कंक्लूड कर देती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन में सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन कर दिया हमने। ठीक है, कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी सेट ऑफ सर्विसेज हमें सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी उनको डिफाइन कर दिया गया, साथ में उसका अग्रीमेंट भी डिफाइन कर दिया गया। पब्लिशिंग एंड डिस्कवरी में क्या था कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है SLA है, उसके लिए पहले सर्विसेज को हमें क्या करना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा, यानी एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा बेसिकली। तो एडवर्टीजमेंट किया जाएगा जिससे कस्टमर को लोकेशन दी जाएगी सर्विस प्रोवाइडर द्वारा और कस्टमर उन तक पहुंच पाए। इसके लिए नेगोशिएशन में क्या किया जाएगा, आपको नेगोशिएशन में यहाँ बताया गया है कि जब हमारा कस्टमर पहुँच जाएगा सर्विस प्रोवाइडर तक तो दोनों में म्यूचुअली अग्रीमेंट होगा, अग्रीमेंट साइन होगा, ये हमारा नेगोशिएशन के अंदर होगा। ऑपरेशनलाइजेशन में देखा जाएगा कि हमारा अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और डीकमिशनिंग में हमारे सारे काम कंप्लीट होने के बाद यहाँ टर्मिनेशन कर दिया जाएगा सारी एक्टिविटीज़ का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल भी डाउट नहीं रह गया होगा मुझे ऐसा लगता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल से जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।